जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन ऑफ सिक्किम यानी ये बताने की जरूरत नहीं है बाइचिंग भूटिया जी, और आज तक मैंने इतना ब्यूटीफुल हाउस नहीं देखा। भले ही आप कितने बड़े बड़े बंगलों देख लो, कुछ देख लो, ये व्यू, ये सारी चीज़ें, और ये भी खुद से डेवलप किया हुआ, ढेर सारी चीज़ें हम जानेंगे, उनसे खुद पूछेंगे। अब सीक्रेट नहीं रखते क्योंकि हमारे सामने ही हैं हमारे फुटबॉल के लीजेंड। तो बाइचिंग भूटिया जी, स्वागत है आपका। थैंक यू हमारे शो में हौसलों की उड़ान, ये सफर है चैंपियंस का विद संग्राम सिंह। तो आज हम आपसे आसानी से पूछेंगे, बिल्कुल दिल खोल के बताना जी। पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म सिक्किम में ही हुआ। मेरा जो गांव है इधर से गैंगटॉक से करीबन आपका 2.5 घंटा का रास्ता है, तिंकीताम बोल के जगह, बहुत ही सुंदर है तिंकीताम गांव है। जी जी। अच्छा, तो वहाँ था, लेकिन मेरा स्कूलिंग सब बाहर था। मैं बोर्डिंग स्कूल में बहुत बचपन से, उम्र 5 से ही मैं बोर्डिंग स्कूल गया हूँ। इनफैक्ट गैंगटॉक में ही मेरा स्कूल है जो पढ़ा था। आप कितने भाई कितने बहन? मेरा, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे ऊपर 2 बड़ा भाई है और 1 बड़ी बहन है। अच्छा, 2 बड़े भाई हैं 1 बहन है। तो भाई क्या करते हैं? एक भाई ऑस्ट्रेलिया में जो मेरे से 3 साल का बड़ा है, और अच्छा। बड़ा भाई अभी गांव में ही है, पहले टीचिंग करता था, उन्होंने रिटायर लेके अभी गांव में, पिताजी है ही नहीं, लेकिन शांति की लाइफ, पिताजी नहीं है लेकिन माँ के साथ अपना सब काम ये सब वगैरह काम। तो जैसे हम जानते हैं कि मोस्टली कहते हैं ना कि सभी खिलाड़ी काफ़ी तपस्या करके आते हैं, काफ़ी मेहनत करके आते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? नॉर्मल था, हम्बल था या नॉर्मली था? ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं था, बट डेफिनेटली ऐसा ये नहीं कि बहुत ही अमीर भी ऐसा नहीं था, वही मिडिल क्लास फैमिली था। और सो मोस्टली आई थिंक मेरा पिताजी लोग मोस्टली ऑन लैंड एग्रीकल्चर फार्मिंग में ज़्यादा करके लाइवलीहुड जी है, एंड आई थिंक अब आज तक भी आई थिंक वो लोग का मेन सोर्स ही मेरा फैमिली का है, एग्रीकल्चर का है गाँव में। सो काफ़ी एग्रीकल्चर लेके ही काम करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे फुटबॉल काफ़ी बड़ा है, तो आपको बचपन से ही फुटबॉलर बनना था? जी जी, नहीं, बचपन से बनना था, कारण हम जहाँ मेरा गांव में जहाँ मैं भी जाता हूँ सिक्किम में, तो फुटबॉल का ही माहौल होता है। तो एक कोई भी बच्चा एक देख देख के आप एक इन्वायरमेंट बन जाता है, एक कल्चर बन जाता है, इसलिए इधर का जो भी बच्चे लोग है, अभी तो फिलहाल टीवी है, बहुत टीवी में ढेर सारा प्रोग्राम्स आप देखने को मिलता है, लेकिन उस समय हम लोग जब बचपन में ग्रो हुआ, जब बड़ा हो रहा था, तो ऑप्शंस बहुत कम था, एक खेल कूद ही था और खेल कूद में खाली फुटबॉल ही था। अच्छा, आपकी फैमिली में और कोई फुटबॉल खेलता था? मेरा बड़ा भाई, मुझे लगता है सबसे बड़ा भाई बहुत ही अच्छा प्लेयर था, उनको मुझे लगता वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जो मिलना, वो फैसिलिटी नहीं मिला। जब पिताजी गांव में बहुत फुटबॉल टूर्नामेंट काफ़ी वो ऑर्गेनाइज करता था, कारण उनका समय में वो गांव का एक पंचायत जैसा था, तो एक लीडर होने के नाते वो काफ़ी छोटा छोटा टूर्नामेंट्स गांव के ऊपर में करता था। अच्छा, तो भाई ने, आपके आपके फादर ने, सब ने आपको, मदर ने, सब ने सपोर्ट किया ये गेम चूज करने के लिए, या बोला कि पढ़ो आप? नहीं, डेफिनेटली पेरेंट्स ने तो काफ़ी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने का वो लोग का फोर्स करते थे, बट फुटबॉल इतना, ये भी नहीं कि वो लोग ने फुटबॉल में मना किया, ऐसा मना नहीं किया था। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जब स्कॉलरशिप मुझे मिला, तब थोड़ा में मिला था आपको? वो मुझे 87 में मिला। 87। सो तब से थोड़ा फैमिली, पिताजी लोग रिलैक्स हो, क्योंकि स्कॉलरशिप मिला है फुटबॉल के चलते, तब एक फ्रीडम मिला खेलने के लिए। फिर भी वो लोग का ध्यान था कि पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट, वो लोग चाहता था कि मैं पढ़ के कुछ करें, क्योंकि उस समय देखिए फुटबॉल इंडिया में भी इतना बड़ा नहीं था, और कोई फुटबॉलर बन के तो एक कोई अपना लाइफ, तो अभी अभी जो प्रोफेशनल्स फुटबॉल खेल के अपना जीवन कर सकता है, लेकिन उस समय तो नहीं था। उस समय जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी फुटबॉलर थे, कोई कुलिया काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाकी स्पोर्ट्स में कम था, बहुत कम था, और जो भी फुटबॉल खेला इंडिया के लिए वो लोग नौकरी पहले ढूंढता था। तो और उस समय हम लोग जब खेलता था तो टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, कौन इंडिया में कौन कौन बड़ा प्लेयर्स है, क्या है, वर्ल्ड का तो उधर ही छोड़े, इंडिया का भी इतना जान पता नहीं था, तो लोकल प्लेयर्स हम लोग आइडलाइज करते थे, लोकल जो गैंगटॉक में खेलता है, अपना गांव में खेलता है, वो लोग हम देख के आइडलाइज करते थे, लेकिन वो लोग का भी खेल के वो लोग इतना एजुकेशन एकेडमिक्स में एक सफलता नहीं था,
तो वही देख के वो लोग बोलते तुम फुटबॉल खेलेगा तो वो लोकल जो प्लेयर है वैसा फिर बनेगा, क्योंकि खिलाड़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा, लेकिन एकेडमिक्स वाइज जॉब वाइज उनका सक्सेस दुख लगता है कि वो लोग का बहुत कम था। तो हम लोग का भी सब गांव में एक कहता था फुटबॉल खेलेगा तो फिर तुम्हारा सक्सेस नहीं रहेगा, वैसे ही एक जो लोकल सीनियर प्लेयर है वैसे ही बनेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, खाली फुटबॉल खेलते रहेगा। तो ये काफ़ी डर था उस समय फैमिलीज में। अच्छा, तो इनिशियली जो डेज थे आपके, जैसे आपकी फैमिली ने साई की आपको स्कॉलरशिप मिली, और आपके टीचर ने या कोच ने, किसने मतलब आपको पुश किया, मदद किया उस टाइम पे? देखिए, हर एक लेवल में डिफरेंट लोग आए। मैं जब साई में उसके बाद फर्स्ट गया, हमारा कोच था मिस्टर मानस चक्रवर्ती, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी मोटिवेट किया। उसके बाद हम थोड़ा खेलना शुरू किया, एक क्लब में बॉयज़ क्लब बोल के एक क्लब में खेला सिक्किम में, जो मेरे अंकल मिस्टर कर्मा भुटिया चलाते थे, उनका तरफ से बहुत सपोर्ट मिला सिक्किम में। तो उसके बाद जब खेलने के बाद मुझे 92-93 में मैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जब 16 प्लस का था, ईस्ट बंगाल के साथ। तो उधर में जो कोच था श्यामल घोष, उस समय बहुत ही अच्छा कोच था, मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर 16 इयर्स में जब गया, अगर सपोर्ट नहीं मिलता कोच का तो मुश्किल होता था। तो हर एक लेवल में डिफरेंट लोग आए और सपोर्ट किया हुआ। जैसे आपने बताया कि 1992-1993 आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आपने फिर यहाँ से कोलकाता चले गए आप? जी, यहाँ से छोड़ के मैं क्लास 10 ख़त्म करके गया। मेरा फैमिली का एक ही था, अगर खेलने गया तो मेरा पढ़ाई भी करना चाहिए। तो ईस्ट बंगाल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट में था कि उसका एजुकेशन का एडमिशन कराएगा और 11-12 में भी पढ़ाएगा। नहीं कराया तो है, लेकिन जाने एक महीना के बाद हम जा नहीं सका फिर दोबारा स्कूल, एक महीना रेगुलरली गया, बट जो प्रैक्टिस का टाइम जो थक जाता था और वेदर भी डिफरेंट था, तो एक महीने के बाद हम भी स्लोली स्कूल जाना छोड़ दिया, फिर पूरा खेलने पे ऊपर ही ध्यान देना शुरू। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया, तो आपको लग रहा था कि आप इतने बड़े खिलाड़ी बन जाओगे? जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी था, ये नहीं था कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा गारंटी सक्सेस देने का। एक वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर अच्छा खेला तो रिन्यू करता है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर दोबारा वापस सिक्किम आना पड़ता था। तो डेफिनेटली एक चांस था, एक गैम्बल था वो, और स्पेशली ईस्ट बंगाल एक उस समय इंडिया में सबसे बड़ा क्लब्स में था, तो एक गैम्बल ऑफर आया, मैं काफ़ी एक्साइटेड था। तो हमने भी और हमारे साथ अंकल जो था बॉयज़ क्लब जो चलाता था कर्मा अंकल, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो एक गैम्बल के हिसाब में हमने चांस लिया और शुक्र है अच्छा ही हुआ। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे, कहते हैं ना कि एक लाइफ चेंजिंग एक डे होता है, कि कोई ऐसी रात जिसमें आप सो नहीं पाए स्पोर्ट्स के कारण? मेरा सबसे लाइफ चेंजिंग मुझे लगता है, मैं जब क्लास 10 में था, तो मुझे अंडर 16 इंडिया के लिए पहली बार कैंप के लिए बुलाया गया था, अंडर 16। तो मेरा ICSE का क्लास 10 का एग्ज़ाम 3 महीने में था। तो हम सबसे एज अ 15 साल का लड़का, वो डिसीजन सबसे डिफिकल्ट था, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एग्ज़ाम ड्रॉप करूँगा और मैं कैंप चला जाऊँगा। तो कन्विंस, पेरेंट्स को कन्विंस करना और स्कूल में कन्विंस करना प्रिंसिपल को काफ़ी मुश्किल था, लेकिन प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिव था हमारा, जो स्कूल में गया था उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम कैंप इंडिया खेलना चाहता हो तो कैंप वन ईयर ड्रॉप करना है तो चलो कर लो, नेक्स्ट ईयर रिपीट कर लो। पेरेंट्स थोड़ा सा इतना नहीं था फोर्थ कमिंग कि वो लोग नहीं चाह रहे थे वन ईयर ड्रॉप कर, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ड्रॉप करूँगा और मैं कैंप को चला जाऊँगा। तो ये एक एज अ 15 ईयर ओल्ड काफ़ी बड़ा डिसीजन मेरा खुद का था, अगेंस्ट एवरीबडीज विश, फैमिली में कोई खुश नहीं था ये छोड़ने के लिए, बट मैंने लिया। तो डिसीजन आपका वाकई गेम चेंजिंग था? गेम चेंजिंग था, कारण उस समय हमको मालूम था कैंप में जब जाएगा, कैंप में और 40-50 लड़का लोग था, हम तो सोचे क्या कर दिया मैंने, अभी टीम में नहीं आऊँगा तो एक साल भी बर्बाद, टीम में भी नहीं आएगा, तो मेहनत और ज़्यादा करना पड़ा टीम में आने के लिए। तो आपने पहले अंडर 16 खेला? जी, इंडिया के लिए अंडर 16 खेला इंडिया के लिए। फिर वहाँ से फिर आपने मतलब जब आप सीनियर टीम की तरफ गए जी, तो फिर वहाँ पे आपने कुछ सीखा जी, तो मोस्टली कैंप कहाँ लगता था? कोलकाता में ज़्यादा, मेरा फर्स्ट अंडर 16 का कैंप भी फिर बहुत ही ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कारण मुझे उस समय तो ऑब्वियसली ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा कैंप का 91-92 का बात है, उस समय तो आप एयरलाइन जो अभी है वैसा नहीं था, एक ही एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस था, ट्रेन्स में रिजर्वेशंस नहीं मिलता था, एयरलाइन तो उधर ही छोड़िए, और हमारा कैंप था केरला में, तो सिक्किम से केरला पहुँचना एक वन एंड से दूसरे एंड, तो मुझे ऑब्वियसली मेरा माँ ने और मेरा आंटी ने मुझे इस रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था,
तो कोई रिजर्वेशन बिना 3 nights 3 days का ट्रेन सफ़र था, वहाँ मैं ऐसे घुस गया, एक टिकट खरीदा। मान लोग ने बहुत, वो लोग रो रही थी कि कहाँ जा रहा है क्या, उस समय फ़ोन मोबाइल्स तो था ही नहीं, तो मैं बिना रिजर्वेशन में टिकट खरीद कर, वो लोग रो रहे थे, बोल रहा था एंड तक मत जाओ, अभी 3 दिन 3 रात केरला कभी नहीं गया, मैं भी कभी नहीं गया, वो लोग तो गए नहीं। तो सिलगुड़ी से हम ट्रेन में घुस गया, 3 nights 3 days विदाउट रिजर्वेशन हम केरला पहुँचे, त्रिवेंद्रम में वो भी। तो ये इंटरेस्टिंग था जर्नी ये। अभी मैं जब मेरा, अभी मेरा सन है इस समय, अभी जो फैसिलिटीज़ है, अभी भी ट्रेन में अगर मैं छोड़ना पड़ा उसको 3 दिन 3 nights 3 days विदाउट रिजर्वेशन, मैं एज अ फादर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उस समय एक जिद्दी था मैं एज अ 15-year-old बॉय, तो मैंने वो सफ़र किया। क्योंकि जिस टाइम, जैसे कहते हैं ना कि जब कम थोड़ी सी सफलता होती है या फैसिलिटी थोड़ी कम मिलती है तो एक डेडिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। सही बात। तो एक जो फायर थी आप में कि मतलब आपको कुछ अलग करना है, सबसे अलग करना है, हटके दिखाना है, तो कोई ऐसा टाइम आया कि जब आपको लगा नहीं यार तो गिव अप कर देते हैं, बहुत हो गया? नहीं सर, मैं ऐसा कभी नहीं आया। डेफिनेटली एक बार मैंने डिसाइड किया फुटबॉल खेलूंगा और मैं सफल, ऑब्वियसली जितना हो सके सफलता मिलने के लिए, वो मैं कभी दोबारा कभी नहीं सोचा कि मैं गिव अप करूँगा, ये कभी नहीं आया। शुक्र है अच्छे अच्छे कोचेस मिले कैलकटा जब किया, अच्छे प्लेयर्स मिले, अच्छे कोलीग्स मिला, सीनियर प्लेयर्स भी अच्छा था और क्लब बहुत ही अच्छा था मुझे ईस्ट बंगाल, तो जो सपोर्ट मिला उसके चलते अच्छा ही मेरा शुरुआत हुआ, तो इसलिए कभी नहीं सोचा कि गिव अप करने के लिए। तो आपने जब एक रास्ता चुना उस पर बिल्कुल चलते गए, तो आपने सीनियर कैंप में आए, जूनियर से सीनियर में क्या फ़र्क था? तो सीनियर तो मुझे 93 से मैं ईस्ट बंगाल खेलना शुरू किया और 95 में मुझे सीनियर टीम के लिए ब्रेक मिला, और उस समय 95 में उस समय एक फॉरेन कोच आए थे इंडिया में, रुस्तम आक्रमो बोल के, एक अच्छे उज्बेकिस्तान के साथ उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो उनको फेडरेशन ने हायर करके लेके आया था, तो उन्होंने आके मुझे एक संतोष ट्रॉफी में देखा और देखते ही मुझे बोला कि मैं तुमको चेंज करना चाहता हूँ पोजीशन वाइज, मैं मिडफील्ड में खेलता था। उन्होंने वो मेरा मैच देखने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तुमको इंडिया के लिए अब फर्स्ट डेब्यू देना चाह रहा हूँ, लेकिन इंडिया के लिए जब तुम खेलेगा स्ट्राइकर वो के खिलाना चाहता हूँ। तब से मेरा पोजीशन 95 से जब इंडिया खेला हूँ तब से मेरा स्ट्राइकर का पोजीशन बन गया। एक हमें थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि जैसे मान लो मिडफील्डर होता है, बीच में खेलता है, पीछे स्ट्राइकर का पीछे खेलता है, वो स्ट्राइकर होता है गोल मारता है, वो स्ट्राइकर गोल मारता है, मिडफील्डर बॉल बना के देता है। अच्छा। तो मुझे हर समय शौक था कि किसी को बॉल बना के गोल कराने के लिए शौक था, लेकिन फिर वो फॉरेन कोच रुस्तम आक्रमक आके मुझे फिर स्ट्राइकर में किया, तब मेरा जर्नी स्ट्राइकर हुआ, तब से शुरू हुआ। तो जब आप पहला मैच खेल रहे थे इंडिया के लिए सीनियर में जी, तो कैसा लग रहा था दिल में? और वैसे बहुत ही एक्साइटेड था ऑब्वियसली, कारण सीनियर टीम के लिए खेलना एक किसी का भी जब भी फुटबॉल खेलता है, जब अंडर 16 खेला, अंडर 19 भी खेल चुका था मैं इंडिया के लिए, तब एक उम्मीद था और ड्रीम था कि सीनियर के लिए खेले, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को लगा कि मैं नहीं आ पाऊँगा इतना जल्दी, लेकिन सडनली ये फॉरेन कोच आया और 95 में मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, तो मुझे भी कभी ऐसा नहीं था कि मैं अभी खेलने वाला, मैं ऑब्वियसली चाह रहा था इंडिया के लिए खेलूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि 95 में ही मैं इंडिया के लिए चांस मिल पाऊँ, तो ये काफ़ी मुझे, मेरे लिए काफ़ी थोड़ा मेंटली रेडी नहीं था, लेकिन जब कैंप में बुलाया था हम काफ़ी खुश था, बट फर्स्ट मैच हमको उन्होंने सब्स्टिट्यूट में रखा जो अच्छा नहीं गया, थाईलैंड के साथ था कैलकटा में, हमला नेहरू कप का मैच था, तो वो शुरुआत टीम के लिए अच्छा नहीं था, तो मुझे सेकेंड हाफ में लाया गया था, तो रिजल्ट अच्छा नहीं, बट जो रिजल्ट ख़राब होने से एक तरफ से दो आप नहीं चाहते एज अ प्लेयर टीम खराब खेले, बट जो ख़राब रिजल्ट होने के बावजूद मुझे सेकेंड मैच में मुझे स्टार्टिंग 11 के लिए चांस मिला, तो एक तरफ से ख़राब हुआ रिजल्ट थाईलैंड के साथ आ रहा है, फिर सेकेंड मैच हमको उज्बेकिस्तान के साथ जो एशिया का चैंपियन था उसके साथ मुझे स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करने को मिला, और ये अच्छा किस्मत भी है और टीम भी ये अच्छा था, एशियन चैम्पियंस को हम लोग ने इनफैक्ट 1-0 से सेकेंड मैच में हराया, और वो 1-0 गोल भी मैंने किया, तो ये मेरे लिए स्टार्ट एटलीस्ट एज अ स्टार्ट बहुत ही अच्छा था इंडियन नेशनल टीम के लिए। तो तभी से मतलब आप सेकंड मैच से ही मतलब स्टार बन गए थे? स्टार तो नहीं बना, लेकिन हाँ गोल तो मिला डेफिनेटली,
थोड़ा बहुत हेडलाइंस मिला बिकॉज उज्बेकिस्तान जो एशिया का चैंपियन टीम था उस समय उसको हराया, वो भी कैलकटा में हम लोग ने 1-0, जो पहले मैच थाईलैंड के साथ बहुत बुरी तरफ से हारने के बाद, तो सेकेंड मैच जब जीता और मैंने गोल किया, थोड़ा बहुत हेडलाइंस थोड़ा मिला। मगर उज्बेकिस्तान की टीम तो अच्छी होगी, बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट उन्होंने शायद टूर्नामेंट जीता उस साल। अच्छा, वहाँ से आपकी एक जर्नी, मतलब एक कहते कि फ्लाइट ने मतलब टेक ऑफ लेना स्टार्ट कर दिया, टेक ऑफ होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर इंडियन फुटबॉल में भी चेंजेस आया, हम लोग ने पहली बार लीग शुरुआत किया, इंडियन या इंडिया आई लीग बोल के, उस समय नेशनल लीग बोल के माना जाता था, और फिलिप्स नेशनल लीग बोल के फर्स्ट ईयर शुरू किया था। वो चेंजिंग पॉइंट था एक मेरे लिए और इंडियन फुटबॉल के लिए भी, बिकॉज उस साल मैं JCT के लिए खेलता था। फिलिप्स लीग जब शुरुआत हुआ तो हम लोग ने JCT में बहुत ही अच्छा टीम था, मेरा वन ऑफ द फेवरेट और बेस्ट प्लेयर्स उस टीम में खेलता था, आई एम विजन, तो उनके साथ पार्टनरशिप किया स्ट्राइकिंग में, तो हम लोग को फर्स्ट नेशनल लीग जीता JCT ने। अच्छा, और वो इंडियन फुटबॉल के लिए और मेरे लिए भी अच्छा जर्नी रहा और शुरुआत रहा। तो जैसे कि आप टीम के कैप्टन भी रहे जी, आपको अर्जुन अवार्ड मिला, आपको पद्मश्री अवार्ड मिला, मतलब सारे इतने ढेर सारे अवार्ड मिले, तो आपको लगता है कि मतलब आपने जब वो सारा अचीव किया, अभी तो मतलब आपकी उम्र काफ़ी कम है तो काफ़ी देना बाकी है, तो जब आप कैप्टन बने तो आपने क्या फील किया? फुटबॉल में कैप्टन का इतना क्रिकेट का जैसा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा जो कैप्टन क्रिकेट में होता है वो फुटबॉल में कोच के ऊपर होता है, बट कैप्टन यही कि जो हम लोग ग्राउंड के अंदर जो काम करना है, जो ग्राउंड के बाहर ट्रेनिंग में करता है वो ग्राउंड के अंदर करे, सब एटलीस्ट एक साथ मिल के लड़े, ये इसके ऊपर ज़्यादा कैप्टन का ध्यान होता है। यस, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है कैप्टन होने के बाद, बट इतना दबाव भी नहीं था, बिकॉज मैं कैप्टनशिप फर्स्ट 99 में मुझे दिया गया था, और 99 से मैं शुरू कैप्टनशिप 2011 तक किया, 11 साल मैंने कैप्टनशिप किया इंडिया के लिए। तो इनिशियल में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस थोड़ा सीनियर प्लेयर्स लोग काफ़ी था, लेकिन सब सीनियर प्लेयर्स भी बहुत ही अच्छे दोस्त लोग थे, लाइक जैसे IM विजयन था, जोपाल अंचारी, कार्लटन चैपमैन, ये लोग सीनियर प्लेयर्स था, लेकिन बहुत ही दोस्त की तरफ था, तो इसलिए डिफिकल्ट नहीं रहा इतना कैप्टनशिप करने में। जब आदमी जब थोड़ा सा उसको फेम मिलता है, जब वो स्टार बनता है, वो सब होता है, तो और आपकी जो मैंने देखा कि आप एक ऐसे फुटबॉलर थे जिसकी फॉलोइंग फीमेल में बहुत ज़्यादा थी जी, जी, तो उस टाइम पे आपने सीधा शादी किया या मतलब कुछ? नहीं, शादी तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप काफ़ी साल था, उसके बाद ही शादी हुआ है। अच्छा, तो डायरेक्टली अरेंज मैरिज नहीं हुआ है, लव मैरिज हुआ जी। अच्छा, प्रपोज आपने किया या भाभी जी ने किया? जब लव इतना लंबा हो जाता है तो अपने आप हो ही जाता है प्रपोज करने का। जरूर जो जैसे कहते हैं ना कि जैसे स्पोर्ट्समैन तो बेचारे मतलब सीधे साधे होते, भोले होते हैं इस मामले में, तो शुरुआत कैसे हुई? नहीं सर, कोई देखो हिंदी फिल्म जैसा तो नहीं होता है आप प्रपोज वाला, जब एक बार आप कोई भी पार्टनर के साथ इतना समय 3-4 साल एक साथ रिलेशन है तो नेचुरली हो ही जाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई ड्रामा ड्रामेटिक हो के प्रपोज करना कोई वो होता नहीं है। नहीं, फर्स्ट टाइम कहाँ मिले आप? हम लोग मैं जब कैलकटा में खेलता था उधर मिला। तो वो पास में रहते थे या? नहीं, वो स्टडीज करते थे उधर। फर्स्ट टाइम में आपने उनको दोस्ती के लिए प्रपोज किया या उन्होंने किया? नहीं सर, दोस्ती प्रपोज पहले तो कॉमन फ्रेंड्स लोग था, हम लोग उस तरह से हुआ है, तो स्लोली स्लोली फिर दोस्त ज़्यादा मिलते रहता है, देन हो जाता है। इट वॉज पहली बार मिला और प्रपोज किया, ऐसे नहीं। तो आप थोड़े से इस मामले थोड़े शाय रहे? थोड़ा बहुत शाय था, देखिए ये आई थिंक देखने से यू कांट ऑल्सो फर्स्ट में काफ़ी लोग आई थिंक हर एक रिलेशनशिप जब पहचान होता है तो मिलता है 10-15 बार, कॉफ़ी वॉफी होता है, उसके बाद आई थिंक बिल्डअप होता है कोई भी रिलेशन। फिर आपने शादी किस कब किया? 2004 में हुआ हम लोग का शादी, 2004 दिसंबर में। तो कल कोलकाता में गया शादी? नहीं, सिक्किम में, गांव में, कैलकटा में खेलता था मैं, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा था कैलकटा, मैं पूरा आके गाँव में गाँव वाले के साथ करना चाहता था मुझे, और गाँव वाले के साथ ही किया हूँ। एक तो एक ही शादी किया हूँ, मीन्स एक ही वेन्यू किया, वो मेरा गांव में, बिकॉज वो मैं बचपन से आई थिंक दो मैं कम रहा हूँ गांव में, बिकॉज बोर्डिंग स्कूल था, फिर कैलकटा गया, बट एक गांव का है, फैमिली उधर का है, सो मुझे एक ड्यूटी था कि मेरा शादी अगर जो भी हो मैं गाँव वाले के साथ करूँ, ताकि गाँव वाला अटेंड करे, मुझे
इतना VIPs और स्टार्स का उतना नहीं था, मैं मुझे इम्पोर्टेंट था कि गांव वाले के साथ करें क्योंकि मैं उधर जन्म हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जो भाभी जी कोलकाता से थे? जी जी नहीं, उन वो मणिपुर से। अच्छा, मणिपुर से थे। तो फिर आपने शादी गांव में किया? गांव में, सिक्किम का गांव में, हमारा तिंगिताम जो गांव है वहीं वहीं किया। तो शादी के बाद फिर आप कोलकाता रहे? फिर कलकत्ता में रहा, हम खेल रहे थे उसी समय काफ़ी। 2004 में शादी, जब 2011 तक मैं खेल रहा था तो कलकत्ता में रहा। तो फिर शादी होने के बाद काफ़ी बदलाव आता है कि थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे टीम कैप्टन बनना वैसे होता है, फिर किड्स होते हैं, एक आदमी थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, बिकॉज जब आप सिंगल हो तो ज़्यादा करके आप जो भी लाइफ में डिसीजंस लेता है आप खुद के ऊपर लेके दिखता है। उसके बाद आप शादी हो गया, फिर फैमिली, यू नो, बच्चे लोग आ गया, देन बहुत सारा डिसीजंस खुद के लिए नहीं, फैमिलीज को देख के भी लेना पड़ता है। तो ये डिसीजंस एक बार शादी होने से, आई थिंक खुद का जो मर्जी है वो नहीं हो सकता है, यू नीड टू कंसिडर एवरीथिंग, तो लेके करना होता है। वो समझते हैं कि इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, खुद का मर्जी कम ही चलता है। सही बात, कारण अभी भी भाग्यशाली हैं जी। नहीं, अभी भी देखिए, मेरा बच्चे लोग, मैं पार में, इधर हम घर इधर है सिक्किम में, यहाँ है मेरा स्कूल नज़दीकी है। सब लोग बोलता है कहाँ पढ़ाना चाहता है, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट वो लोग क्लास 6-7 तक, जब तक 12-13 ईयर्स ना हो, सिक्किम में ही पढ़े। कारण एक चाइल्डहुड जब ग्रो अप, व्हेन यू ग्रो ओल्डर, एक मेमोरीज रहना चाहिए पहाड़ के साथ, कनेक्ट होना चाहिए। बिकॉज देखिए, अभी फ्यूचर में जो लाइफ चल रहा है, तो अभी ये बच्चे लोग कहाँ, क्या कल कहाँ सेटल होगा, क्या होगा, लाइफ इतना फास्ट हो रहा है। बट मुझे लगता है एटलीस्ट ग्रोइंग अप डेज वो कनेक्ट है पहाड़ के साथ, अपना कल्चर के साथ, और एक इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, हिल्स, माउंटेन्स के साथ है। तो लोग बड़े होकर जहाँ में भी सेटल करे, एक बचपन का मेमोरी रहता है। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट वो मेमोरीज रहे वो लोग के साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर बिल्डिंग, घर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये अच्छी बात है, आप इन्हें कल्चर से जोड़ रहे हैं, ये कल्चर इनको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। सही। पहले आप ये बताइए कि आपने इतना ब्यूटीफुल हाउस, इतना बड़ा हाउस, ये कैसे सोचा? नहीं, ये तो मैं जब 93 में मैं कलकत्ता खेलना शुरू किया, तो 97 में मेरा कोई फैमिली का थ्रू जो ओनर्स थे, वो लोग भी रिलेटिव्स है, तो हम 97 में ऐसे एक लेके फ्यूचर के लिए हमने सोच के लिया था ये एरिया में। उस समय तो पूरा जंगल था, घर वर भी नहीं था। अच्छा, तो उस समय लेके रखा था हम फ्यूचर के लिए, अगर कोई वापस आएंगे। तो कितना एकड़ लिया था ये? 3 एकड़ लिया था मैंने, 3 एकड़। बहुत ही, और उस समय 97 में तो इधर घर नहीं था, और कॉस्ट भी तो बहुत ही चीप था उस समय लैंड का। और सब लोग पूछते थे कि तुम 3 एकड़ इतना, उस समय आप थोड़ा बहुत पैसा भी थोड़ा ज़्यादा ही होता था। 97 में वैल्यू तो अभी का जो करोड़ है, उस समय 10 लाख का जो वैल्यू है, अभी का आपका शायद 2-3 करोड़ का वैल्यू है। तो उस समय सब लोग बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, 3 एकड़ जंगल का बीच में कोई नहीं। हम फिर भी ऐसा लेकर रखा, हम फ्यूचर में अगर वापस गैंगटॉक में आएंगे तो एक जगह रहने का तो चाहिए। तो सोच के, स्पेशली हमको बहुत इम्पोर्टेंट था कि माउंटेन को देखना है, तो जगह वही चूज करके लिया है। ये आपने बहुत बेस्ट किया था। अच्छा, फिर आपने इसको डेवलप कैसे करवाना स्टार्ट किया, कब से? ये हम जब सिक्किम, हम सोचा कि वापस आएंगे इधर सेटल करेंगे, मेरा क्लब भी शुरू किया यूनाइटेड सिक्किम, मैंने जब शुरू किया क्लब चलाने के लिए वापस आया, तो मैं सोचा कि ऑब्वियसली अभी टाइम है तो घर बनाने के लिए भी। तो ये जो ज़मीन पड़ा था हमने, वो 2012 से शुरू करके 14 में हम लोग ने मूव इन किया, 2 साल में। तो अभी आप यहाँ पे ऑर्गेनिक भी वो करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं, ढेर सारी प्लांट करते हैं। जी, जी। सही मायने में एक्चुअली जो मोदी साहब की कैंपेनिंग है, सपोर्ट तो आप कर रहे हैं। यहाँ पे इतना रह रहे हो, ऑर्गेनिक ये सब्जी खा रहे हैं, ढेर सारे पेड़ उगा रहे हैं, गायें भी आपने रखी हुई है। जी सही, कारण इतना जगह है, क्योंकि देखिए सिक्किम में एक ऑर्गेनिक स्टेट भी है, और इनफैक्ट मुझे मेरे से भी ज़्यादा मेरी वाइफ काफ़ी गार्डनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेजिटेबल्स का काफ़ी शौक रखते हैं। वो खुद का भी होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है। अच्छा। और उसके बावजूद जगह था, तो हम लोग ने ऑब्वियसली, मेरा गांव, आप जाएंगे तो गांव में तो हम लोग गाय, बकरी, चिकन से लेके सब कुछ रखता है,
बिकॉज एग्रीकल्चर में ज़्यादा हम लोग का फैमिलीज एग्रीकल्चर फार्मिंग में ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम लोग ने यही सोच के मेरा वाइफ ने माँ का थ्रू से एक गाय और बच्चा लेके आके दूध अभी इधर हम लोग खुद का करते हैं और एट द सेम टाइम वेजिटेबल्स भी खुद प्लांट करते हैं। एक बेस्ट चीज़ है कि आप गाय का दूध पीते हैं और ये सारी वेजिटेबल करते हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि देखिए आपका व्यू देखिए जी। आई थिंक सबसे बेस्ट यही है व्यू, ये घर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो व्यू है सराउंडिंग से सबसे इम्पोर्टेंट। फॉरेस्ट आपको पूरा देखे मिलेगा, सुबह उठ पे आपको माउंटेन कंचनजंगा का व्यू मिलता है और फॉरेस्ट का सब, तो यही सबसे बेस्ट। और आगे कभी कंस्ट्रक्शन होगा भी नहीं, आगे वो चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। तो आप यहाँ पे साइकिलिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं? मैं इधर जब भी आता हूँ तो फिटनेस के लिए मैं काफ़ी माउंटेन बाइक करता हूँ। तो ये एंटायर रेंज है, जो ऊपर स्कूल दिखाई दे रहा है ये अब वो पूरा वो लास्ट वाला पहाड़ नहीं लेकिन सेकेंड वाला पहाड़, वो आपका करीबन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं 10 किलोमीटर अप एंड डाउन कर 20 किलोमीटर का साइकिलिंग। आपको पता है कि पहाड़ों में 10 किलोमीटर साइकिल चलाना यानी नॉर्मल पे 100 किलोमीटर साइकिल चलाने के बराबर है। सुबह का जो वेदर है आप फ्रेश एयर मिलता है, नाइस आपको अर्ली मॉर्निंग सनराइज का जो रेज मिलता है, जब साइकिल करता है आपको ये पहाड़ पूरा कंचनजंगा आपको राइट एंड तक मिलता है, तो वो व्यू काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके बहुत तीन बहुत क्यूट प्यारे और टैलेंटेड बच्चे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो फुटबॉलर बने या फुटबॉल खेलें या कोई दूसरा स्पोर्ट्स खेलें या क्या करें? नहीं, कोई ज़बरदस्त नहीं है बच्चे लोग, मैं समझ सकता हूँ ज़बरदस्ती नहीं, मगर आपकी विश ऑब्वियसली एज अ फादर मैं चाहता हूँ वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन बने। स्पेशली कोई भी बेटा या बेटी हो फुटबॉलर अगर बनेगा तो बहुत ही खुश रहूँगा, बट एट द एंड वो लोग का अपना मर्जी है। नो डाउट मेरा बेटा फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट करता है, बेटी लोग जिमनास्ट रनिंग्स में बहुत ही इंटरेस्ट लेती है एंड वेरी स्पोर्टी है, दैट इज़ व्हाट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट स्कूल का स्पोर्ट्स में भी वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस रोज करते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट एक स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करे। बट एट द एंड वो लोग जब आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होंगे तो वो लोग खुद डिसाइड करेंगे क्या करना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे मैं मोस्टली बात करता हूँ सिक्किम इन सब से, मगर आपने इतनी अच्छी और इतनी प्यारी हिंदी कहाँ से सीखी? नहीं मैं स्टार्ट किया, मैं रहा हूँ आप सिक्किम में 1993 में छोड़ा हूँ, सो 22 साल तो मैं बाहर ही रह चुका हूँ, तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं। हमारा जो मेन लैंग्वेज था टीम के अंदर में भी कैलकटा में बंगाली और हिंदी ज़्यादा था, और वही ये बोल के थोड़ा बहुत, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा इतना अच्छा हिंदी आप बोल रहे हैं तो ठीक है। नहीं, आपका बहुत अच्छा हिंदी है क्योंकि आप सारे शब्दों को हिंदी में इतनी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं बोल पाते। तो आपके बच्चे हिंदी जानते हैं? वो लोग हिंदी काफ़ी जानता है, अच्छा अच्छी तरह जानता है, और इंग्लिश तो खराब नहीं पढ़ी, इंग्लिश तो आपका नॉर्मली है। तो यहाँ की भाषा कौन सी आप बोलते हैं? यहाँ सिक्किम में तीन भाषाएं है, कॉमन लैंग्वेज नेपाली है, बाकी सिक्किमीज है भुटिया और लेपचा लैंग्वेज है। तो मेरा खुद का मदर लैंग्वेज है भुटिया लैंग्वेज, लेकिन हम लोग जो लोकल जो डायलैक्ट है जो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं वो नेपाली है, क्योंकि नेपाली कॉमन लैंग्वेज सिक्किम में है। मैं खुद का मदर लैंग्वेज सिक्किमीज समझ सकता हूँ, बोलने में मोर और लेस बट कम्प्लीटली फ्लुएंट नहीं हूँ, तो अभी भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, बट मोस्टली नेपाली लैंग्वेज इधर का कॉमन है। मैं अभी काफ़ी लोग के साथ हमारा जो भी बात है नेपाली में होता है। ढेर सारे स्पोर्ट्समैन पे बायोग्राफी बन रही है जी, तो आप चाहेंगे एक अच्छी फिल्म आपके ऊपर बने, आपकी लाइफ के ऊपर? इतना शौक भी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा स्टोरीज है जो मैं बायोग्राफी और बायोपिक्स देखता हूँ जो स्पोर्ट्स पर, जैसे मिल्खा सिंह जी का और मैरी कॉम जो लोग का स्टोरीज है, मुझे नहीं लगता है उन लोग का इतना जो लाइफ में जो गया है उन लोग का बराबर का लेवल का लाइफ में स्ट्रगल नहीं बट लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे नहीं लगता उतना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो नहीं ये आपकी हम्बलनेस है जी, कि आप हम्बल आप ऐसा कह रहे हैं, वरना जो आपकी लाइफ में फिल्म बनेगी ना मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो पता नहीं
करोड़ों क्या मतलब वर्ल्ड वाइड सबको इंस्पायर करेगी कि एक इंडिया जिसमें फुटबॉल बिल्कुल मर गया था, फुटबॉल को जानते नहीं थे, मतलब नॉर्मली के मतलब सोकर पहले था, फुटबॉल पहले था 1952, 65, 66, उसके बाद फुटबॉल बिल्कुल डाउन चला गया, उसके बावजूद एक इंसान आता है एक छोटे से सिक्किम के गांव से, फिर धीरे धीरे आके फिर वो इंडिया में सबको एक होप दिलाता है, एक ड्रीम देता है कि नहीं फुटबॉल में भी स्टार बन सकते हैं। तो आपकी लाइफ पे तो मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। जो बच्चे हैं जो आपके क्लब तक नहीं पहुँच पाते, फाउंडेशन तक नहीं पहुँच पाते, तो उनको आप क्या कहेंगे और जिनमें जज्बा है खेलने का जो छोटे छोटे गांव में? उन लोग को हम, हमारा जो फाउंडेशन है और फुटबॉल स्कूल्स में हम लोग सबको इनकरेज डेफिनेटली करता है कि स्पोर्ट्स खेले, चाहे वो प्रोफेशनल हो या ना हो, एट एक लेवल में वो लोग को हम लोग ऑब्वियसली डायरेक्टली तो नहीं बताता है, बट वो लोग हम लोग इशारा करता है कि आप करियर आपका फुटबॉल में नहीं हो सकता है, आप खेलो, फिट रहो, फुटबॉल को प्यार करता है और खेलो, लेकिन आपका फोकस एजुकेशन में भी रहना है। और बिकॉज देखिए हर एक जो भी हमारे पास 2000 बच्चे हैं सब तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, काफ़ी बच्चे लोग तो कोई फिटनेस के लिए आता है, कोई फुटबॉल को इतना प्यार करता है खेलने के लिए आता है, लेकिन टैलेंट नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं एक लेवल पर वो लोग को भी बताना है। जब आप 18 पहुँच गया और आप अगर 18 ईयर्स में आप स्कूल टीम में भी आप नहीं हैं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्टली बताना है कि फुटबॉल खेलो, इंजॉय करो, आके ट्रेनिंग करो, लेकिन करियर नहीं बन सकता है, बिकॉज 18 साल में आप स्कूल टीम में भी ब्रेक नहीं किया तो आप स्टेट का तो उधर ही छोड़िए, इंडिया का तो उधर ही छोड़िए, स्कूल टीम में भी चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए वो लोग को इनकरेज तो करना ही है कारण खेलने के लिए, कारण एटलीस्ट स्पोर्ट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं। बट ओवरऑल हम लोग थ्रू फाउंडेशन स्पेशली हम लोग टैलेंटेड और बहुत ही हाईली टैलेंटेड बच्चे लोग को ही देते हैं। एंड जो फुटबॉल क्लब है मेरा सिक्किम में सेमी प्रोफेशनल है, जो हम सैलरीज दे के वो लोग को हम टूर्नामेंट्स खिलाते हैं, तो वो लोग का हम चाहते हैं कि सिक्किम में खेल के यूनाइटेड सिक्किम के एक स्टेप है, वहाँ से और आगे बड़े बड़े क्लब्स में जाएँ। अच्छा तो मुझे बताइए, जैसे आप स्पेन है, बाकी USA है, बाकी और कंट्री हैं, जो उनके क्लब हैं, जो उनका वो है, तो इंडिया हम कह रहे हैं कि आज हम मंगलयान छोड़ रहे हैं, हम ढेर सारे ऊपर चले गए हैं, तो क्या कमी है कि अब हमारे पास यहाँ पे पैसा भी है, काफ़ी फैसिलिटी भी आ गई है, वो लेवल हम क्यों टच नहीं कर पा रहे हैं? हमको लगता है इंडिया में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम एक तो स्पोर्ट्स का कल्चर थोड़ा बहुत काफ़ी कम है। नो डाउट क्रिकेट काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन जब खेलना पड़ता है जाके बाहर आउटडोर करते हैं, पेरेंट्स बच्चे लोग कितना वो करते हैं, एंड फुटबॉल तो आप डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजेस ही है। तो मुझे लगता है कि एक कल्चर फर्स्ट क्रिएट करना है, कल्चर के साथ इंटरेस्ट एक ले आ सका और बच्चे लोग को पूरा मोटिवेट कर सका हम लोग खेलने के लिए, तब ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ डेवलप करना है। अभी ग्राउंड्स वगैरह देखिए इंडिया में जहाँ में भी खेलने के लिए तो पहले तो जगह है ही नहीं ओपन स्पेस, जब भी ओपन स्पेस है तो फिर वो बहुत ख़राब स्थिति में है, तो ये लेके थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं ना कि जिस आदमी में शक्ति के साथ सहन शक्ति है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता, और बाइचिंग भूटिया जी वैसे ही हैं बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि आप एक जर्सी पहनते थे 15 नंबर, तो उसका कोई खास मतलब कोई मतलब एक ये था कि स्पेशली 15 नंबर पहनूंगा तो मैं अच्छा खेलूंगा, या कुछ जुड़ा था कोई ऐसा? नहीं, ये फर्स्ट तो ये 15 जर्सी नंबर मुझे एक बड़े फुटबॉलर जो था मेरा आइडियल जैसे ही था, रॉबर्टो बाज्जियो। अच्छा, जब वो इटली के लिए जब खेला था वो फर्स्ट टाइम वो नंबर 15 पहन के खेला था, तो उनका जो स्टाइल लुक्स गेम्स वाइज वहाँ से इंस्पायर हुआ, और एट द सेम टाइम 15 मेरा एक बर्थ का भी वो नंबर था, तो इसलिए काफ़ी यू नो, बट मोस्टली मुझे लगता है ये नंबर मुझे रॉबर्टो बाज्जियो जो इटली का जो कैप्टन था उनसे इंस्पायर होकर मैं। तो आपका जन्मदिन का बात है ये 15 तारीख का ही है, 15 नवंबर दिसंबर। अच्छा दिसंबर। कैसे सोचा कि अब रिटायर होना चाहिए? रिटायरमेंट मैंने 2011 में लिया फाइनल, नो डाउट मैंने एक्चुअली 2010 में रिटायर कर चुका था, लास्ट टाइम एशिया कप खेला था 2010 में, तो 2011 में मेरा लास्ट फेयरवेल मैच था बायर्न म्यूनिख के साथ, बट मुझे जब एशिया कप हो रहा था दिसंबर में तभी मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं रिटायर करना चाह रहा हूँ ये टूर्नामेंट के बाद, तो ऑब्वियसली इंजुरीज भी काफ़ी, एक बार फुटबॉल में जब एज होता है इंजुरीज काफ़ी आ जाता है, एंड
वही स्टैंडर्ड, वही पेस, वही क्वालिटी में आपका परफॉर्मेंस भी देना डिफिकल्ट रह जाता है. एंड मोस्टली बिकॉज विथ एज बॉडी भी नहीं ले पाता है. इंजरीज मुझे काफ़ी हुआ था. एंड एशिया कप भी मैं गया लेकिन खेलने को नहीं मिला. लास्ट 20 मिनट्स साउथ कोरिया के साथ खेला, अदरवाइज पूरा मैचेस हम बेंच में ही था. तो आई थिंक दैट्स वेयर आप डिसाइड करना है कि बॉडी अगर आप नहीं दे पा रहा है, इंजरीज हो रहा है, तो बॉडी खुद बोल देता है कि आप संन्यास लेने का है. तो अभी भी खेलते हैं? अभी तो बहुत कम खेलता हूँ. अभी ज़्यादा करके जब समय मिलता हूँ टीम के साथ एक दो बार कोचिंग करता हूँ. इस साल ज़्यादा करके रहा हूँ, समय थोड़ा टीम को ज़्यादा दिया. मैं चाह रहा था इस साल थोड़ा ज़्यादा समय दे टीम को और ज़्यादा खुद कोचिंग करे. तो इस साल थोड़ा बहुत मैंने टाइम निकाल के टीम के साथ वक्त बिताने का समय ज़्यादा मिला है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको इंजुरी काफ़ी हुई होंगी. जी. तो जब इंजुरी होती है खिलाड़ी को, तो उस टाइम उसको क्या करना चाहिए कि उसे कैसे रिकवर करे और कैसे फिर अपनी परफॉर्मेंस को बराबर लेके आए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इंजरी में, आप जब भी इंजर्ड होता है प्लेयर को, फर्स्ट आपका ऑप्शन और फर्स्ट आपको ध्यान देना चाहिए कि ये इंजरी को ठीक करने के लिए आपको राइट गाइडेंस, राइट आप फिजियोज रहेंगे, आपको फिटनेस ट्रेनर्स रहेंगे, ऑब्वियसली डॉक्टर्स तो रहेंगे, डॉक्टर्स जो ऑपरेट करेंगे. बट ये लोग ऑपरेशन होने के बाद जो फिटनेस ट्रेनर्स और फिजियोज के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको मेन थिंग, आपका जो नीज में अगर इंजरी हुआ तो नी को नॉर्मल लाना और स्ट्रेंथ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि रश ना करे. बहुत सारा स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में ये है कि राइट, हम लोग का, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ काफ़ी प्लेयर लोग के साथ, मेरा दोस्त लोग के साथ, कि एक अच्छा फिजियोस फिटनेस ट्रेनर नहीं रहने से वो लोग को गाइडेंस बहुत ख़राब मिल जाता है. तो रश कर लेता है, जल्दी ग्राउंड में उतर जाता है, मैचेस खेलना शुरू करता है, दोबारा इंजर हो जाता है. तब दोबारा अगर लिगामेंट हो गया तो आपको फिर दोबारा वापस आने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है. जो फुटबॉल वर्ल्ड में आपके हिसाब से कौन बड़े खिलाड़ी हैं? जी, मैं जब देखिए इंटरनेशनल, जब टीवी आया, मैंने फर्स्ट टीवी देखा ही 1986 में. Okay. तब 1986 में एक ही प्लेयर ने पूरा वर्ल्ड को पूरा छाया हुआ था, वो है डिएगो मैराडोना. तो उसके थ्रू से हम उसको देख के उधर से शुरुआत किया. बाद में काफ़ी चेंजेस होते गया, हर एक नया वर्ल्ड कप में, हर एक नया टूर्नामेंट में प्लेयर्स आए. उसके बाद रॉबर्टो बाज्जियो आया, अभी का ज़माने में मेस्सी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. तो ये सब प्लेयर्स काफ़ी. तो मैराडोना साहब की खास बात क्या लगी आपको? आई थिंक मैराडोना का जो गेम में, उसका जो पैर में, उसका जो क्वालिटी है, जो टेक्निक, ड्रिबल, बैलेंस, स्पीड बहुत ही हाई था. और अब जब भी मैराडोना खेलता था तो कोई प्लेयर के ऊपर ही आंख नहीं जाता, वो उसके ऊपर ही जाता है. बिकॉज ये आई थिंक काफ़ी डेफिनेटली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर था मैराडोना साहब. हाउंड के बारे में काफ़ी सुना हमने, मेसी के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक मेसी, मुझे लगता है, इक्वली टैलेंटेड है मैराडोना से. इनफैक्ट इवन मोर टैलेंटेड, बिकॉज अभी ये लाइफ में, ये ज़माने में, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको अभी रिसर्च इतना होता है, टीम का इतना, आपको प्लेयर का बारे में इतना आपको फीडबैक्स मिलता है, रिसर्च होता है, और टीम्स इतना प्रिपेयर करता है. अभी कंप्यूटराइज जैसे हो गया, तो मुझे लगता है दैट वे मैराडोना समय में इतना नहीं था. बट मेसी का समय, अब हर एक मूव, हर एक रन, हर एक बॉल पे स्क्रूटनाइज होता है. डिस्पाइट दैट, फिर भी मेसी एक गोल करने में, पास करने में सफलता हर समय रहा है. तो मुझे लगता है डेफिनेटली मेस्सी का जो टैलेंट है शायद बराबर या मे बी इवन बिगर देन मैराडोना में मान सकता हूँ. और रोनाल्डो के बारे में आप क्या कहेंगे कि रोनाल्डो जैसे, मतलब थोड़ा सा पोस्टर बॉय, उसकी थोड़ी इमेज ज्यादा है? आई थिंक रोनाल्डो अगेन, आई थिंक काफ़ी टैलेंटेड है. रोनाल्डो एक है कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनका जो मेहनत है, इनका जो हार्डवर्क है, आई थिंक वो नहीं, कोई भी नहीं ले सकता है. नो डाउट हाईली टैलेंटेड है, बट रोनाल्डो डेफिनेटली एज अ प्लेयर बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही हार्डवर्किंग और बहुत ही फिट प्लेयर है. सो आई थिंक उनको, उन जो रोनाल्डो जो बना, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिज ओन हार्डवर्क एंड शेयर टैलेंट एंड हार्डवर्क. जैसे मेसी, आई थिंक लॉट इज़ बीन गॉड गिफ्टेड एज वेल, बट रोनाल्डो आई थिंक इज बीन अ मोर हार्डवर्किंग एंड hard working and very dedicated. जैसे आप मेसी जैसे नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, रोनाल्डो काफ़ी हार्ड वर्क करके आगे आए. जी. अच्छा, ये बताइए कि इंडिया में जैसे अब बच्चे आ रहे हैं, अंडर 17 हुआ या कुछ अभी मेन टीम में खेल रहे हैं, तो कौन से ऐसे दो तीन खिलाड़ी जिनसे फ्यूचर में उम्मीद की जा सकती है कि ये सुपरस्टार बनेंगे, इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाएंगे?
देखिए अभी हाल ही में हम इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ और अंडर 17 वर्ल्ड कप मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे खेले। ऑब्वियसली फर्स्ट मैच यूएसए के साथ मुझे नहीं लगा कि अच्छा खेला, बट बाकी दो मैचेस काफ़ी इम्प्रूव किया कोलंबिया और घाना के साथ। दो घाना के साथ ख़राब रिजल्ट हुआ, बट ऑन द वाइज गेम वाइज मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा खेला स्कोर लाइन छोड़ के। और ये वर्ल्ड कप अंडर 17 में दो तीन प्लेयर लोग ने काफ़ी अच्छे किया और काफ़ी नाम भी किया। वो एक था हमारा गोलकीपर धीरज सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सारा इंडिया उसका नाम जानता है आज, धीरज सिंह। और सेकेंड ने आपका जो गोल के इंडिया का हिस्टोरिक गोल जो किया, उन्होंने काफ़ी हेडलाइंस कब्जा किया, जिक्सन सिंह। जिक्सन ने जो गोल करके आई थिंक एज अ प्लेयर भी काफ़ी अच्छा है, बट जो गोल करके आई थिंक उन्होंने काफ़ी नाम किया। तो मतलब ये दो तीन जो बच्चे हैं जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं आगे आके थोड़ा अच्छा करेंगे। जी जी, मेन स्ट्रीम टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी लग रहा हो आपको कि वो आगे जाएगा ज़्यादा? देखिए मेन स्ट्रीम में अभी तक तो जो प्लेयर कर रहा है इंडिया के लिए, एक प्लेयर काफ़ी परफॉर्मेंस देके टीम को काफ़ी अपने आप लोड लिया है, सुनील छेत्री ने। तो उनका भी अभी तो ऑलरेडी 33 ईयर्स हो गया है, उनका एज हो रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग को हम चाहते हैं कि और एक नहीं और 5, 6, 7, 8 सुनील छेत्री को आना चाहिए, बिकॉज अगर फुटबॉल में अगर सफलता मिलना है तो एक आईएम विजय ने, एक बाइचिंग भुटिया, एक सुनील छेत्री से नहीं होता, एक 10-15 तो वही सब बाइचिंग भुटिया चाहिए, वही सब प्लेयर चाहिए। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चैलेंजेस है, लेकिन उम्मीद रखता हूँ ये अंडर 17 का जो लड़का लोग 5 साल के बाद ये लोग अगर पूरे के पूरे 20 जन एटलीस्ट 10 जन का भी वो सफलता अच्छा हुआ तो मुझे लगता है चांसेस अच्छा रहेंगे। आप पास आ जाइए, आपका ये हाउस से जो पीछे माउंटेन को कैप्चर कर लेते हैं। एक तो यहाँ के मतलब वाकई अच्छा फील हो रहा, तो आप मुझे बताइए कि सिक्किम किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है? देखिए सिक्किम ऑब्वियसली एक तो बहुत सुंदर है, ग्रीनरी है, और एक तरफ आई थिंक इधर का जो लोग है आई थिंक बहुत लॉ अबाइडिंग लोग है, आई थिंक बहुत फ्रेंडली है, मतलब कानून को फॉलो करते हैं, कानून को भी फॉलो करते हैं। और इधर का सिक्किम का लोग भी बहुत हॉस्पिटैलिटी है, बहुत जो भी मेहमान आते हैं वो लोग के साथ व्यवहार बहुत अच्छा करता है। सो आई थिंक दैट्स वाई बहुत लोग सिक्किम आता है, पसंद करता है, बिकॉज एक अच्छी बात मैंने और देखी यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी जैसे रास्ते में जैसे पूरे इंडिया में हम कुछ भी खाते हैं ऐसे फेंक देते हैं सब, यहाँ पे सारे सब डस्टबिन में डालते हैं। नहीं यहाँ ऑब्वियसली आई थिंक इट्स ऑल्सो डाउन टू लोकल पीपल जो इधर रहता है, आई थिंक दे आर वेरी अवेयर ऑफ कीपिंग सिक्किम साफ रखने के लिए, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द पीपल भी। एंड
जितने भी गवर्नमेंट्स करते हैं सारा इंडिया में लोग तो फॉलो नहीं करते, बट सिक्किम में ऑन द होल आई थिंक मुझे लगता है जनता बहुत अवेयर रहता है, स्पेशली क्लीननेस के चलते या ग्रीन इन्वायरमेंट को ग्रीन रखने के लिए। एट द सेम टाइम आप ट्रैफिक का रूल्स भी देखेंगे इधर का, तो हॉर्न कोई पोंपो कोई कुछ नहीं करता, ये आई थिंक इट बाई सिखाने से या पुलिसिंग करने से नहीं आता, आई थिंक इट हैज़ टू कम फ्रॉम द हार्ट, दिल से आना चाहिए। और ये मुझे लगता है इधर का जो पब्लिक है दिल से उस स्टेट को पसंद करता है ग्रीनरी रखने में, साफ रखने में और रूल्स को फॉलो करने के लिए। एक मुझे पता चला, अब मैं सोच सकता हूँ कि आपका स्टेमिना इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि इतना फ्रेश एयर है, ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई इतनी टेंशन है, तो मतलब ये मेन कारण नहीं, ये तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, लेकिन हमको तो खेलना था फिर उधर ही जाना पड़ता है, दिल्ली कलकत्ता में तो उधर तो पोल्यूशन है ही है, तो डेफिनेटली ये एडवांटेज है ही है, लेकिन हम लोग को जो नीचे जब खेलना पड़ता है वो एक ह्यूमिडिटी हीट और पोल्यूशन हम लोग के लिए सिक्किम का स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफ़ी डिफरेंस करता है, तो इसलिए मैं बहुत सारा प्लेयर्स इधर से डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में जाता है, एक ही प्रॉब्लम रहता है वो लोग को जो टेम्परेचर हीट का बहुत तकलीफ होता है, तो वो कोप करने अगर कोप कर सका जितना जल्दी तो उतना एडवांटेज रहता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो हम लोग के लिए स्पेशली हिल्स के लिए प्लेन्स में ये हीट और ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हिल में आते हैं जैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपका स्टेडियम है काफ़ी मतलब एक अच्छा है, तो जब आप एक नॉर्मल उस पर आते हैं जैसे डेली आते हैं, बॉम्बे आते हैं, कोलकाता आते हैं, तो स्टेमिना कुछ ज़्यादा बढ़ता है या कम होता है? नहीं, स्टैमिना डेफिनेटली एक एडवांटेज होता है, बिकॉज हिल में जो एयर है और ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा हिल्स में, हम लोग को जो इधर जो ट्रेनिंग होता है इसमें बिकॉज ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग में एडवांटेज रहता है, बट डेफिनेटली वही है कि अगर हम लोग को जो राइट इवनिंग का मैचेस रहेगा तो काफ़ी लोग अच्छा खेलता है, एंड मैं भी कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ, जब अगर कभी समय वो लोग फुटबॉल 3 बजे 2 बजे खिला देता है तो बहुत हीट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट नाइट का मैचेस 5-6 बजे इवनिंग का मैचेस होता है, तो हिल का टीम लोग जो बाहर से जाता है वो टीम काफ़ी अच्छे करते हैं। जी, तो यहाँ पे एयरपोर्ट आने से और फैसिलिटी बढ़ जाएंगी? नहीं, हम लोग एयरपोर्ट के लिए बहुत इंतज़ार करें, ऑलरेडी टूरिज़्म बहुत बड़ा है, बट आई थिंक विद एयरपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है कि टूरिज़्म और आगे जाएगा। अच्छा जैसे अभी आप सेटल हैं, फैमिली अच्छी है, उगेन ही बड़ा हो गया है, तो आप क्या चाहेंगे, उगेन फुटबॉलर बने या कोई दूसरा गेम खेले? यू वांट टू बी अ फुटबॉलर और अ रेसलर? नहीं, आई थिंक वो खुद का अपना पसंद जो करना चाहता है वही छोड़ रहा हूँ, फोर्स नहीं, खेलता तो है थोड़ा बहुत फुटबॉल, तो इस साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं थ्रू सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन से और बच्चे लोग ग्रास रूट का और गांव-गांव में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में एक विंटर्स में कैंप रखने के लिए, तो जो टैलेंट है जो इंटरेस्ट है वो लोग हम लोग एक ऑर्गेनाइज ढंग से उसको आगे नहीं लेके जाना जा सक रहा है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको और आगे एक और अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको एक ड्रीम एकेडमी खोलने का ऑफर मिले, मतलब आपका ड्रीम हो जी, तो आप वो कहाँ खोलना चाहेंगे, सिक्किम में, कहाँ पे, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में? देखिए आइडियली अगर सिक्किम में होने से बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ट्रेनिंग वाइज वेदर वाइज बहुत ही अच्छा मौसम है, बट ओनली सिक्किम में एक डिसएडवांटेज है कि उतना ज़मीन मिलना और एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टमेंट जो रहता है दिल्ली में या बॉम्बे में या सिलीगुड़ी में एक एकेडमी बनाने का, वो आई थिंक हाफ द कॉस्ट ज़्यादा रहेंगे सिक्किम में, बिकॉज हिली एरिया है वो, लैंड को ग्राउंड्स बनाने में तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज, बट आइडियली इफ़ यू कैन गेट 2-3 ग्राउंड मिला और मिला तो आई थिंक सिक्किम अच्छा लोकेशन रहता है, बट आई थिंक दिल्ली मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बिकॉज सेंट्रली लोकेटेड है, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी बहुत सुविधा है, ट्रेन का, आपका फ्लाइट का, तो हर एक बच्चा कहीं में भी हो इंडिया से दिल्ली में आने के लिए वो लोग सुविधा रहता है, और एकेडमी का बच्चा लोग को भी मैचेस बहुत खेलना है तो वो लोग भी अगर ट्रैवल करना पड़ा कहीं में भी मैचेस खेलने के लिए तो दिल्ली एक दिल्ली कलकत्ता ये सब कनेक्टिविटी वाइज बहुत एडवांटेज रहता है। अब मैं आपसे कुछ क्विक सवाल पूछूंगा जी, अगर आप फुटबॉलर नहीं होते तो क्या होते? सीरियसली मैंने कभी नहीं ऑप्शन कभी नहीं लिया था, मैं भी मालूम है मैं भी जर्नलिस्ट बन सकता था शायद। अच्छा ये बताइए कि आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट आमिर खान, रणबीर कपूर। आमिर खान, रणबीर कपूर। एक्ट्रेस? तब्बू है एंड कंगना रनावत है। तब्बू और कंगना। अच्छा आपका फेवरेट खाना कौन सा है, डिश कौन सी है? सिक्किम इज मोमोज। मोमोज, इवन उगेन का भी मोमोज। उगेन व्हाट्स योर फेवरेट डिश? पास्ता। ओह पास्ता, पास्ता। अच्छा उगेन आपसे सवाल,
कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? मेसी। मेसी मेरा भी है। चलो एक में कौन सा टीम में खेलता है? व्हिच टीम डज मेसी प्ले? कौन सा टीम में खेलता है मेसी? बार्सिलोना। वाह। अच्छा आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है अब्रॉड में? अब्रॉड में बार्सिलोना। और फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया? इंडिया में सिक्किम। सिक्किम, ये तो मानना पड़ेगा। मैं पहली बार आया हूं, मेरा भी यही हो गया है। आपको अब करोड़ों बच्चे देख रहे हैं, आपको काफी आइडल मानते हैं, उनके लिए आप एक क्या सलाह देना चाहेंगे जो आपने भी थोड़ा सा मिस किया कि आप ये करते तो आप और ज्यादा करते, तो क्या क्या आपको कहना चाहेंगे? मुझे तो मुझे लगता है इंडिया में आई थिंक एक ही एडवाइस है कि जो भी करे आई थिंक वो उसको प्यार करना चाहिए। वो कोई भी गेम खेले आई थिंक वो गेम को आप मन से दिल से खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आप क्रिकेट खेलना है, कोई सचिन तेंदुलकर बहुत पैसा कमाना, कोई मेसी बनना चाहता हूँ पैसा कमाने के, मेसी बनने के लिए, आई थिंक वो नहीं होता है। आपको खेलना है तो दिल से, कोई भी बैडमिंटन फुटबॉल क्रिकेट रेसलिंग जो भी हो, दिल से अगर दिल से खेलेंगे तो आपको कोई भी स्पोर्ट सफलता मिलने बहुत चांसेस, क्योंकि मेहनत करने के लिए रेडी होता है, खेलने के लिए रेडी होता है। स्पोर्ट्स तो आपने किया, एक आपका ड्रीम जो अभी तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए? वही फर्स्ट में तो अभी फुटबॉल, लाइफ लॉन्ग मेरा तो फुटबॉल से ही था। खेलने के बाद भी अभी फुटबॉल लेके क्लब चलाता हूँ, फुटबॉल स्कूल चलाता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ। तो एक ड्रीम लाइफ लॉन्ग एक अपना रेसिडेंशियल गुड हाई एंड एकेडमी करना, एक ड्रीम है। अच्छा आपका ड्रीम है कि एक अच्छी वर्ल्ड लेवल की एक हाई एकेडमी हो जिसमें आप ढेर सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे सको। जहाँ तक मुझे याद है कि आपने इंडिया का वन ऑफ द बड़ा डांस का शो जीता है। वो तो एसएमएस की चलती जीता है, डांस करके कोई जीता नहीं है। नहीं एसएमएस नहीं, मैंने देखा था आपका एपिसोड, क्या आपने जबरदस्त डांस किया। तो आपको कौन सा डांस पसंद है? मुझे ज्यादा करके बॉलीवुड अच्छा लगता है डांस करनी, इजी है, कोई एक नहीं है। ये सालसा से लेके क्या क्या बहुत सारा नाम से मुझे मालूम भी नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। बट बॉलीवुड एक फ्री में अपना वो करके नाचना है। बट ओवरऑल मैं इतना डांसर भी नहीं हूँ, कभी डांसर था भी नहीं। ये झलक मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक अगर मैंने आपका एपिसोड देखा ना तो मतलब आप सीरियसली सबसे अच्छा नाच रहे थे, अच्छा डांस। नहीं नहीं वो तो ऐसे हो गया, लेकिन हाँ मुझे जहाँ तक फर्स्ट डांस है और फाइनल में, तो ये जो सभी जो झलक देखा है वो लोग सभी मानता है, मैं भी मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट काफ़ी मैंने किया है। फर्स्ट डांस अगर फर्स्ट डांस में तो कोई स्टेप, कोई लेग का कोई स्टेप नहीं था, रिदम नहीं था। बट जैसे झलक होते गया ओवरऑल फाइनल में आई थिंक इम्प्रूवमेंट मेरा काफ़ी। जब आप बाहर रहते थे, आपने मैं बता कि आप कोलकाता रहे 15-20 साल, तो आप खाना खुद बनाते थे या? जब मैं इंग्लैंड में 3 साल था तब खुद बनाता था। अच्छा। कैलकटा में नहीं, क्योंकि इंडिया थोड़ा लाइफ लग्जरी हो जाता है, बिकॉज आपके पास मैन पावर रहता है, काफ़ी लोग मिल जाता है आप काम करने के लिए। तो जब कैलकटा में था कुक था, जब इंग्लैंड में 3 साल था तो खुद बनाया। तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपके बारे में सिक्किम भी घूम लेते हैं। थैंक यू। साल की उम्र में करंट लग गया था बिजली का, और वो भी 11,000 वोल्टेज। डॉक्टरों ने भी ये घोषित कर दिया था कि अब ये जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी मदर ने आज से 22 साल पहले मुझे एक डिफरेंटली एबल बच्चे को खिलाड़ी बनाने का सपना देखा था। वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद जो खुशी थी मेरी, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। सपनों देखोगे तभी सपने पूरे होंगे।